मेरे स्वामिनी मैं राधे जुगुदा जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन गोवा श्री वृंदावन गोवा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा जय श्री राम श्री गिरिराज धारी भगवान की दिव्य स्तुति है गिरिराज धारियष्ट कम कम भाव से श्रवण करिए और पितृ पक्ष में पितरों की कृपा मिले पितरों को सदगति मिले इस भाव सभी को जय श्री कृष्ण हिमांशु धर शास्त्री जी पंडित जी हरण महादेव भैया सभी मित्रों को बहुत बहुत साधुवाद जय श्री कृष्ण जय श्री राम राधे 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 भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्ध्यादि चौर्येण यशो विसारी कुमारतान दिद्घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी व्रजांगना वृंद सदा बिहारी अंगे गृहागार तमोपहारी क्रीड़ा रसावेश तमोभिसारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी वेणु स्मनान दिदपन गारे रसातलारे पद प्रचारे क्रीडन वयस्या कृति दैत्य मारे मम प्रभु श्री गिरिराज धारी
पुलंद दारा हित शंबरारे रमा सदोदार दया प्रकारे गोवर्धन कमोद फलोपहारी ममा प्रभु श्री गिरिराज धारी कलंद जाकुल दुकुल हारी कुमार का काम कला वितारी वृंदावन को धन वृंद चारी ममा प्रभु श्री गिरिराज धारी व्रजेन्द्र सर्वाधिक शर्मकारी महेंद्र गर्वाधिक गर्वहारी वृंदावन कंद फलोपहारी ममा प्रभु श्री गिरिराज धारी मनः कलानाथ तमो विदारी वंशी रवाका रितता कुमारी रासोत्सवो द्वेल रसाथि सारी ममा प्रभु श्री गिरिराज धारी ममा प्रभु श्री गिरिराज धारी मा मत मता विपोदाम गतानुकारी लुंठा त्रसूना प्रपदीन हारी रमो रसंस्पर्श कर प्रसारी ममा प्रभु श्री गिरिराज धारी श्रीमति वल्लभाचार्य विरचितम् श्री गिरिराज धार्यष्टकम् श्री गिरिराज अर्पणमस्तु भैया श्री प्रधान सिंह परिहार जी जय जय श्री गिरिराज धाम की पंडित हिमांशुधर शास्त्री गिरिराज धरण भगवान की जय। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आज पितृपक्ष में पितरों की कृपा प्राप्ति हेतु भाव से दिव्य भजनों का या दिव्य स्तुतियों का पाठ और जिसके द्वारा भगवान की विशेष कृपा सभी जीवों पर हो भाव से श्रवण करिएगा। प्रेम धुली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भजन श्रृंखला को प्रारंभ करें। आप सब चाहें तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक मित्र हमसे जुड़ सके और सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक मित्र ने आपसे कहा था महाराज डमरू वाला भजन सुनाइए तो आप श्रवण करिए। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। आपको भी यदि कोई भजन सुनना हो नीचे कमेंट करिएगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति को लाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। आचार्य श्री नीरज मिश्र जी आपको बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री कृष्ण। जो भी मित्र छुट से जुड़े हैं यदि कोई दिव्य एक नई नया भजन मुझे प्राप्त हुआ जिसको सुन करके जीवन के सत्य की अनुभूति होती है। हमको लगता है कि सभी अपने हैं लेकिन भैया स्वार्थ है जो लोगों को जोड़ करके रखता है और स्वार्थ समाप्त हो गया तो कोई किसी का नहीं है। कोई किसी का नहीं रे पगले बातें हैं बातों का क्या। वो गीत है ना उसकी कड़ी कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या।
कोई किसी का नहीं रे झूठे नाते हैं ना तू का क्या, कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। सभी, सभी जो हमको लगता है अपना है लेकिन कुछ अपना नहीं है साहब, सब सपना है। इसलिए कहते हैं सत हरि भजन जगत सब सपना। हमारे वेद त्रिवेदी शरद जी जय महाकाल, भाई सचिन तिवारी जय हो भैया। सचिन तिवारी जी को आपको हमारे साथ बहुत श्रवण किया होगा। हमारे अनुज है और जौनपुर में जहाँ हमारा मूल निवास है जौनपुर में बरसठी क्षेत्र के अंतर्गत गोठाओं ग्राम से हम सभी है वहाँ पर। और सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक मित्र ने हमसे कहा था महाराज कुछ नूतन भजन सुनाइए, पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जी हवे पे बसवा मृत में देवा गोविंद दामो धर्माधवे पितु मातु स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव है श्रेष्ठ सारी तुम्हीं पे निर्भर ये कृष्ण प्रेमी कहे निरंतर नमामि कृष्णा नमामि कृष्णा नमामि कृष्णा नमामि कृष्णा। कहते भैया कौन जीवन हमारे भाई सचिन तिवारी जी चली गगन से तरने तरंगे नमामि गंगे भाव से श्रवण करिए। बहुत दिव्य स्तुति है और भाव से श्रवण करिए गंगा मैया की स्तुति। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणि विमले मम मति रास्ता तव पद कमले चली गगन से तरणि तरण से नमामि गंगे नमामि गंगे सगर सुतों की है मूर्ति दात्री हर हर गंगे नमामि गंगे हर हर गंगे नमामि गंगे हर हर गंगे नमामि गंगे। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यदि किसी को कुछ भजन श्रवण करना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज का जो पितृपक्ष में जो पूर्ण कर्म हो रहा है पितरों को सद्गति मिले पितरों को मुक्ति मिले और पितरों के आशीर्वाद पितरों की कृपा सभी जीवों पर हो भाव से भगवान को स्मरण करते हैं। इसलिए इसलिए कौन कहते हैं भैया वही पावन है जिसने शरीर को प्राप्त करके भगवान का भजन किया। मानस में दादा लिखते हैं सोई पावन सोई सुभाग शरीरा सोई पावन सोई सुभाग शरीरा जो तन पाए भजिय रघुवीरा। सभी वेद त्रिवेदी जी जैसे वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े और सभी हृदय में बैठे परमात्मा को दिव्य भजनों का आनंद प्रदान किया जाए भगवान की विशेष कृपा हो। एक दिव्य भजन भजन और दिव्य कड़ी है श्रवण करिएगा। ना 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 जगदम्बा धर दियरा वार इनी हो जग तारण धर दियरा। सचिन जी हमें बहुत गाते थे यहाँ पर कुछ मास मेरे सानिध्य में रहे और भगवत कृपा से जितना हो सका प्रयास यही रहा कि भगवत भजन जीवन में हो जीवन में भजन उतर जाए क्योंकि जीवन में अगर भजन आ गया तो सब आ गया। कहते यही जीवन का सत्य है कि जीवन में भगवान का दिव्य भजन हो तो
जो भी मेरे मित्र अगर कुछ भजन श्रवण करने की इच्छा हो तो कमेंट करिएगा। राधे तेरे चरणों के गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ श्यामा तकदीर बदल जाए। इसलिए जीवन में सत्य क्या है, कहते हैं हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना नहीं गुजारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। इसलिए कहते जीवन में क्या किया जाए, अनुप शुक्ला जी बहुत सुंदर भैया जय सियाराम। इसलिए क्या करिए, कहते दुनिया का बनकर, हम तो दुनिया के बनने का बहुत प्रयास करते हैं कि सभी अपने हो जाएं, है ना, संसार को रिझाने का खूब प्रयास करते हैं, लेकिन जीवन में सफलता नहीं मिलती। सफलता मतलब जीवन में शांति नहीं मिलती, जीवन में आनंद नहीं मिलता। इसलिए संत कहते हैं जा दुनिया का बनकर देख लिया, और श्यामा का बनकर देख जरा, राधा नाम में कितनी शक्ति है, इस राह पे चल कर देख जरा, दुनिया का बनकर देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा, राधा नाम में कितनी शक्ति है, तू प्रेम लगा कर देख जरा। वेद त्रिवेदी जी जय सियाराम भैया। तो क्या करिए, कहते हो सांवरे, जीवन में सबसे बड़ा नाम किसका है, तो साधु संत भक्त यही गाते हैं, ओ सांवरे सबसे बड़ो तेरो नाम हो मोहन प्यारे, ओ हो नंद दुलारे सबसे बड़ो तेरो नाम, नाम रे ओ सांवरे सबसे बड़ो तेरो नाम मोहन प्यारे, ओ हो नंद दुलारे सबसे बड़ो तेरो नाम। सबसे बड़ा है प्रभु का नाम, इसलिए क्या करिए, भाव से भगवान को मनाइए। और भगवान मिलेंगे कैसे, ये अपने को पता लगेगा, कैसे जानकारी हो, कैसे हमको अनुभूति हो कि ईश्वर मिलने वाले हैं। इसलिए कहते हैं जब संत मिलन हो जाए और तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना श्री हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना श्री हरि से मिलन होगा। और क्या होगा, भगवान साक्षात्कार, भगवान से साक्षात्कार होने वाला है, कैसे पता लगेगा। कहते हैं नहीं क्रोध किसी पे आए, क्रोध आना बंद हो जाएगा,
जो हमें क्षण क्षण में सबसे क्रोध होता है किसी बात को लेकर के, किसी से कभी क्रोध नहीं होगा, नहीं क्रोध किसी पे आए, और सब में तो नजर हरिया तब इतना समझ लेना श्री हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना श्री हरि से मिलन होगा, और क्या होगा, आंखों से आंसू आए दिन रात याद हरि आए, भगवान की नित्य याद आती रहेगी, कोई दूजा ना मन भाए और दर्शन को मन ललचाए, तब इतना समझ लेना श्री हरि से मिलन होगा, और तब इतना समझ लेना श्री हरि से मिलन होगा। वेद तिवारी जी, जय श्री राम भैया, भगवान शिव जी का भजन, एडम डम डमरो, आपको भी यदि कोई भजन सुनना हो मित्रों तो वीडियो को शेयर करिए, नीचे कमेंट करिए, ताकि ये भजनों की श्रृंखला बढ़ती रहे। दिव्य भजन, एडम डम डम रो बजावे ला हमार जोगिया, ओ डम 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 रो बजावे ला हमार जोगिया, ओ हमार जोगिया हे हमार जोगिया, डम 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 रो बजावे ला हमार जोगिया, शीश गंगा जी के धार, शीश गंगा जी के धार, चंद्रा सोहेला लीलार, चंद्रा सोहेला लीलार, शीश गंगा जी के धार, चंद्रा सोहेला लीलार, शीश गंगा जी के धार, चंद्रा सोहेला लीलार, अंग विभूति रमावेला हमार जोगिया, ओ डम डम डमरो बजावेला हमार जोगिया। संदीप मिश्रा जी, कौन से ग्रंथ में क्या जानना है महाराज, कौन से ग्रंथ में है क्या, कौन से ग्रंथ में, कमेंट करिएगा। और विनोद राठौड़ जी, गुरु जी रोज पूजा के बारे में बताइए, देखिए नित्य पूजन कैसे करें, कृष्ण आया है तो नित्य पूजन करने के लिए मित्र कहते हैं भगवान की षोडशोपचार का पूजन संभव हो सके तो भगवान का पैर धोइए, भगवान का हाथ धोइए, भगवान को स्नान कराइए, भगवान को जल पिलाइए, पंचामृत हो तो पंचामृत से स्नान कराइए, दुग्ध हो तो दूध से अभिषेक करिए, और भगवान को वस्त्र पहनाइए, भगवान को यज्ञोपवीत पहनाइए, भगवान को गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य इत्यादि अर्पित करिए, भगवान को कुछ दक्षिणा अर्पित करिए और भाव से भजन सुनाइए, प्रार्थना करिए, स्तुति करिए, यही पूजन है। नित्य पूजन में इतना तो कर ही सकते हैं। यह है 1650 उपचार से भगवान का पूजन करिए। अगर ये संभव नहीं है तो क्या करिए, तो कहते हैं भैया अगर ये संभव नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, कहते हैं भैया पंचोपचार गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन कर लीजिए। अगर यह भी संभव नहीं है मित्र तो आप क्या करिए, केवलम नैवेद्येन सर्व पूजां भविष्यति, ऐसा ग्रंथों में लिखा है, तो भैया केवल नैवेद्य अर्पित करने से भगवान की सेवा संपन्न हो सकती है, तो नैवेद्य प्रतिदिन अर्पित करिए। तो ये अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार है, कुछ न हो तो स्तुति सुनाइए, है ना, भगवान के सामने बैठ करके भजन सुनाइए, ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास करिए, तो इस प्रकार से पूजन हो सकता है। दूसरा प्रश्न आया है ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, शंख का क्या महत्व है, शंख का बहुत महत्व है भैया, कहते हैं भैया शंख बजाने से जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है, वातावरण को पवित्र करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए और पूजन को संपन्न करने के लिए शंख जरूर बजाना चाहिए, शंख का विशेष महत्व है, शंख का घंटिका का विशेष महत्व है। बहुत अनूप शुक्ला जी महाराज बहुत सुंदर, धन्यवाद भैया। और हमारे विनोद राठौर जी, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, जिस देवता का पूजन करे उनका मंत्र बोलना चाहिए, राठौर जी गणपति जी का करिए तो गंग गणपतये नमः, है ना, माता जी का बोलिए तो ओम दुम दुर्गाये नमः, भगवान नारायण का करिए तो ओम नारायणाय नमः, अगर सूर्य का करिए तो ओम सूर्याय नमः, शिव जी का करिए तो ओम शिवाय नमः, माता जी के साथ करिए तो ओम सांब सदाशिवाय नमः, इस प्रकार से जिनका पूजन करिए उनका मंत्र बोलिए। माँ मनसा जी का पूजन,
का पीडीएफ भेजिए जरूर, अगर उपलब्ध होगा संदीप जी तो अवश्य भेज देंगे। अभी उपलब्ध जो भी उपलब्ध होता है आप बुधवार सबको हम सूचित कर रहे हैं आपकी जानकारी हेतु, आपको इस पेज के माध्यम से हम सब सब प्रदान कर देते हैं। कुछ अपने लिए रखा नहीं है, जो भी मुझे आता है भजन या स्तुतियां या प्रार्थनाएं सभी इस पेज पे उपलब्ध है, तो आपको जो कुछ भी चाहिए इस पेज पे मिल जाएगा, आप लोग यहां से एकत्रित कर सकते हैं। तो और भी मित्रों को कोई प्रश्न है या कुछ भजन सुनना हो तो आप कमेंट करिएगा। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस समय मुंबई में ही है, डोंबिवली में, मुंबई में डोंबिवली नामक शहर है, डोंबिवली में ही आजकल निवास है। तो अगर आपको हमसे मिलना भी है तो आप डोंबिवली आकर के कभी भी मुलाकात कर सकते हैं। अगर कोई आवश्यक कार्य हो तो सूचित करिएगा, या अगर हमें अपने प्रदेश में बुलाना चाहते हैं तो भी आप हमें सूचित कर सकते हैं। कुछ प्रोसीजर है, फॉलो करिएगा अवश्य। आपके यहाँ भी भगवान की स्तुति भजन प्रार्थनाएं होंगी, तब तक श्रवण करिए। तेरी अखिया है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, तेरी अखिया है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना, मेरी अखिया तुम्ही से लड़ी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। शंख को रखकर पूजा करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। शंख को रखकर शंख से पूजन करिए, शालिग्राम पूजन करना हो, नारायण जी का पूजन करना हो, राम जी का पूजन करना हो, शंख से अभिषेक करिए, पूजन करिए, बिल्कुल करना चाहिए। पंडित परमानंद जी भैया, राधे राधे कृष्णा, जय श्री कृष्ण भैया, संदीप मिश्रा जी, दुर्गा जी का भजन पीडीएफ भेज दीजिए न प्रभु जी। बिल्कुल भैया, जैसे उपलब्ध होगा आपको पीडीएफ भेजेंगे। वैसे पीडीएफ बना करके भजनों का नहीं रखे हैं, भजन वैसे काफी जो हम भजन करते हैं वो याद ही है, क्योंकि भाव से करने से धीरे धीरे याद हो जाता है। तो अगर कुछ विशेष प्राप्त हुआ तो मैंने कहा कि जो कुछ भी है मेरे पास वो इस पेज पे उपलब्ध है, ये पेज ही मेरी उपलब्धि है। सनातन धर्म के रहस्य के नाम से जो पेज मैंने बनाया था, यहाँ पे सारे जो भी भजन है, जो भी स्तुतियां हैं, जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी विशेष जानकारी है, सभी आपको इस पेज के माध्यम से प्राप्त हो जाता होगा, ये आशा है। अगर आप निरंतर इससे जुड़े होंगे तो सारे नूतन जो कुछ भी मेरे पास है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और चलिए इस समय वाणी को विश्राम देते हैं, कुछ आवश्यक कार्य है, फिर आप जरूर जुड़ेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।